तो जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जिसमें आपके नाक कान गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसमें आपको कफिंग वगैरह हो रहा है, तो उस समय आप यूज कर सकते हैं उसके लिए आप अजिथ्रोमाइसिन 500 mg अगर आप अडल्ट हो तो। आज हम ऐसे ब्रांड के बारे में बात करें जिसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन है। तो हम बात करें अजीबैक 500 mg टेबलेट के बारे में, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए कि कैसे इसे लेना है, किस तरह के कंडीशन इंडिकेशन में और क्या डोज हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अजीबैक 500 mg जो टैबलेट है इसके अंदर अजिथ्रोमाइसिन 500 mg एक एंटीबायोटिक है, ये किल करता है बैक्टीरिया को जिसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन रहता है वह ठीक होता है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसमें आपको जैसे खराश वगैरह आता है, या जैसे कि खिचखिच आपका गला करते रहता है, या जैसे कि बार बार आपको कफिंग हो रहा है बलगम वाली उस टाइम, या जैसे कि आपको बुखार के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टाइफाइड हुआ है, तो उस समय डॉक्टर इसे देते हैं। जैसे नाक कान गले में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ इंटरनली तो भी डॉक्टर इसे देते हैं। तो इस तरह की समस्या में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में आप डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसे परचेस करें और यूज करें। बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना परचेस करें। अगर आप खुद से करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से करते हैं तो हो सकता है आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिले, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में आपको गैस बन सकती है और डायरिया महसूस हो सकता है, यानी कि जुलाब जैसा महसूस हो सकता है। इसका डोजिंग रहता है वंस डेली लगभग 5 दिन के लिए, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपसे ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ज़रा सा हेल्प मिलता है, मुझे इनकरेज मिलता है ताकि मैं और भी आपको अपडेटेड रखूँ नई नई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।